हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, वो गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां। गुलशन है जिसके दम पे, गुलशन है जिसके दम से। रश्के जिना हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम वतन है। हिंदोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। जय हिंद। So thank you madam, thank you very much. Now I request Fazlullah Mukarram Sahab, Chairperson, Board of Studies, Oriental Urdu College, Usmani University. So please come over to the dais. Hi sir. Okay. Now I am going to facilitate him. Now I request Dr. Humaira Saeed, HOD of Department of Urdu of this college, to give her welcome address. And before that I want to say thanks so some of the patrons who has donated generously and who helped a lot in organizing in this national seminar. So especially Rahim Sahab, TRS leader of this town, he has helped a lot. And Cosmic Bakery and Hashmi Brothers, these are the few people who has patroned the occasion and they helped a lot. So now I request our HOD of Urdu, Dr. Humaira Saeed, to give a welcome address.
जना प्रोफेसर बी राजारत्नम साहब, वाइस चांसलर पालमौरी यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर सत्तार साहिर साहब, रजिस्ट्रार डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी करनूल, प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब, डीन स्कूल बराए लिसानियात हिंदुस्तानियात मानो हैदराबाद, प्रोफेसर मुजफ्फर शहमीरी साहब, सदर शोबे उर्दू, और आज के कलीदी खुतबे के स्पीकर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद प्रोफेसर हमीद अकबर साहब, शोबे उर्दू और फारसी गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा, डॉक्टर मोहित जावेद साहब, सदर शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी। और इस इजलास में शरीक तमाम हजरत, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इस सेमिनार के इनेकाद में आपकी आमद पर तहदिल से फर्दन फर्दन सभी का इस्तकबाल करते हुए हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर बी राजारत्नम सर का खसूसी तौर पर इस्तकबाल करती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी इस महफिल को रौनक बख्शी है। बेहद शुक्रिया सर। एंड हम शोबे उर्दू की जानिब से, एनटीआर कॉलेज की जानिब से आपका तहदिल से इस्तकबाल करते हैं। प्रोफेसर सत्तार साहर साहब, जिन्होंने मेरे एक फ़ोन कॉल पर मंजूरी दी है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस सादगी से यहाँ तक जो पहुँचे हैं आप, कभी भी ये नहीं कहा कि हमेशा मेरी हौसला अफजाई की, सेमिनार के ताल्लुक से जब भी मैंने बात की मेरी हौसला अफजाई की। सर, आपका भी मैं तहदिल से इस सेमिनार में इस्तकबाल करती हूँ। प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब, एक बात मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ स्टेज पर जितने भी काबिल शख्सियत मौजूद हैं, उनका यहाँ मौजूद होना मेरे लिए और हमारे कॉलेज के लिए एक एजाज की बात है। प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब, डीन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस लिंग्विस्टिक्स एंड इंडोलॉजी, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। सर, खास तौर पर आपका इस्तकबाल है, तबीयत की नासाजी के बावजूद भी आप यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। बेहद शुक्रिया सर, और मैं आपका दिली खैर मकदम करती हूँ। जी, अभी मुझे पता चला कि सर का वतन भी महबूब नगर है, तो अब मैं अपना शुक्रिया वापस भी ले सकती हूँ। जी, प्रोफेसर मुजफ्फर अली शहमेरी सर, सदर शोबे उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। इस सेमिनार के इनेकाद में प्रोफेसर फातिमा बेगम मेरी उस्ताद मोहतरम, जो इस मौके पर मौजूद नहीं है, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन वो एक अहम फरीजा अंजाम देने गई हैं, उम्रे पर गई हैं, इस वजह से वो यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है वहाँ भी उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। और मैं सेमिनार के ताल्लुक से प्रोफेसर फातिमा बेगम साहबा ने और प्रोफेसर मुजफ्फर अली शहमेरी साहब ने मेरी बहुत मदद की है, मशवरों से कीमती अपने नवाजा है। सर, आपका भी मैं तहदिल से यहाँ इस्तकबाल करती हूँ। प्रोफेसर हमीद अकबर साहब, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, शोबे उर्दू और फारसी। सर, आपका भी आपको बहुत कम वक्त मैंने दिया था प्रोग्राम के लिए, लेकिन आपने फौरी मंजूरी दे दी, इसके लिए मैं आपके साथ साथ बीबी रजा मैडम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने आप तक पहुँचने का रास्ता मुझे दिखाया। सर, आपका भी महबूब नगर में हमारे कॉलेज में इस्तकबाल है। डॉक्टर मोहित जावेद साहब, सदर शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हमारी ही यूनिवर्सिटी के सदर हैं। मैं आपका भी तहदिल से इस्तकबाल करती हूँ सर, कि आपने ये असर हमारे कॉलेज में दूसरी बार आ रहे हैं, तो सर एक और बार फिर आपका तहदिल से इस्तकबाल है। फजलुल्ला मुकर्रम सर, जो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और हमारे इस सेमिनार को रौनक बख्शी है, आपका भी मैं तहदिल से इस्तकबाल करती हूँ। इसके अलावा मुख्तलिफ जामियात से जो जो असातिज़ा तशरीफ लाए हैं, जिन्होंने मेरी एक आवाज़ पर मेरा साथ देने का वादा किया है, उन तमाम का मैं यहाँ इस्तकबाल करती हूँ। साथ ही साथ मैं शहर महबूब नगर के अदब नवाज ख्वातीन और हजरात, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारी काफ़ी मदद की है, उम्मीद है कि ये कामयाब होगा, उन तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। साथ ही साथ हमारी तालिबात,
और यहाँ पर मौजूद हमारे CPDC मेंबर्स और प्रेस सबका मैं इस्तकबाल करती हूँ। एक रोज़ा कौमी सेमिनार बाउनवान गैर अफसानवी अदब के फरोग में ख्वातीन का हिस्सा शोबे उर्दू NTR डिग्री कॉलेज के इस प्रोग्राम में आप तमाम इल्म दोस्त और अदब नवाज ख्वातीन हजरात का दिली खैर मकदम। इस उन्वान पर सेमिनार के इनेकाद का पहला ख्याल मुझे 2011 में आया जब मैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में रिफ्रेशर कोर्स कर रही थी। उस 21 रोजा कोर्स के दौरान जब मैंने गैर अफसानवी अदब पर लेक्चर सुने और लाइब्रेरीज में किताबों का मुताला किया तो मुझे लगा कहीं कुछ कमी है। चूंकि मेरा स्पेशलाइजेशन तानीसियत से मुताल्लिक है तो कहीं ना कहीं अदब को देखने और समझने का मेरा नजरिया भी उसी नुक्ते से होकर गुजरता है। तब मुझे लगा कहीं कोई ऐसी किताब नहीं है जो मजमूई तौर पर ख्वातीन के गैर अफसानवी अदब का अहाता करे और कई असनाफ ऐसी हैं जिसमें ख्वातीन की गिनती आटे में नमक के बराबर है। दो ख्याल आए, कहीं ख्वातीन कलमकारों के साथ नाइंसाफी तो नहीं हुई या फिर ख्वातीन ने शायरी और फिक्शन तक ही खुद को महदूद कर लिया। ऐसा है तो फिर क्यों है? फिक्शन में कुरतुल ऐन हैदर को, शायरी में परवीन शाकिर को जो हैसियत हासिल है, जो मर्तबा हासिल है, वैसा मर्तबा गैर अफसानवी अदब में ख्वातीन को मयसर है या नहीं? तो बस अब इन्हीं ख्यालात से सेमिनार के इनेकाद की राह मैंने हमवार की। मई 2015 में मैंने UGC में सेमिनार के लिए अप्लाई किया था लेकिन इसको मंजूर होने में पूरे 1.5 साल का अरसा लगा और नवंबर में इस सेमिनार को मंजूरी मिली। फिर इसके बाद जो कोशिश की। One and all. Now I request our Aziz Principal Madam to give a message on the Mohit Bhai और हमारे यहाँ जो मेहमान बैठे हुए हैं वो हमारे दिन शहर और उर्दू के मुस्तकबिल आप सब लड़कियाँ, क्योंकि आप भी तो उर्दू जिंदा है, यह के दिगर स्टाफ, सबसे पहले तो याद कर दूं कि मुझे इस सेमिनार में शिरकत करते हुए बड़ी मसरत हो रही है और उसका एक सबब नहीं है, दो चार बाब है। पहली वजह तो यह है कि मैंने डिग्री कॉलेज के एक लेक्चरर की हैसियत से कुछ 15 साल काम किया है और मैं जानता हूँ कि किसी डिग्री कॉलेज में सेमिनार करने का मतलब क्या है। इन्हें वो तो सारे कॉलेज का सेमिनार होता है, सारे स्टाफ उसमें शरीक होते हैं, सारे तलबा और तालिबात उसमें शरीक होते हैं और एक त्यौहार का सा एक समा बन जाता है, एक मोहब्बत, एक इत्तेहाद का एक जो मंजर देखने में आता है, जो जिसे मैं सही इंडियन कल्चर कहता हूँ, वो इंडियन कल्चर आज भी डिग्री कॉलेजेस में जिंदा है और ताजिंदा है और मैं यहाँ देख रहा हूँ इस चीज को। दूसरी बड़ी वजह यह है कि मुझे हाल में यहाँ कशीर फरमा, मेरी बहनें, बेटियां, इस उम्र के लिहाज से बेटियां भी कह सकता हूँ, मुझे आप लोगों से कुछ बात करना है अफसानवी नसर के, गैर अफसानवी नसर के ताल्लुक से और आपकी सलाहियतों के ताल्लुक से, जिनका जिक्र सत्तार साहब ने भी किया, रश्मिदीन फरिश्ते भी और दूसरों ने भी किया, वो तो थोड़े आखिर में आएगा। लेकिन कुछ बातें यहाँ अहले नजर और दानिश्वर तबका यहाँ बैठा हुआ है, उनके गोशगुजार करके फिर मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। एक बात आज कर दूं, जैसा कि आपकी प्रिंसिपल मैडम साहब अभी फरमा रही थी कि औरतें मर्द किसी भी लिहाज से कम नहीं है, मैं भी यही पैगाम देना चाहता हूं कि आप मर्द के शाना बा शाना उर्दू नसल लिखें
अगर वो 10 किताबें लिखते हैं तो आप भी 10 किताबें जरूर लिखे और आप उनके साथ साथ चले। तो होता इसलिए है कि जरा आप गौर करके देखिए कि आप किसी के साथ जा रहे हैं या दो दोस्त मिलकर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, सहरा में कहीं जा रहे हैं और एक आदमी बोल रहा है, दूसरा आदमी सिर्फ सुन रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है, एक आदमी है बोले जा रहा है, दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं उठ रही है, तो आप सोच के देखिए क्या उसका सफर आराम से कटेगा? एक ही आदमी बोलता रहे, सफर कटेगा उसका? हरगिज नहीं कटेगा। दोनों बात करते चले, दोनों अपनी अपनी राय रखते चले, दोनों अपनी आवाज समझाते जाए तो उसका सफर आराम से कट सकता है उन दोनों का। यही बात मैं मर्द और औरत के लिए भी कहता हूँ, मर्द कहता रहे औरत चुप बैठी रहे, ये मेरा ख्याल है कि वो सफर बहुत आराम से नहीं कटेगा। इसलिए बेहतर यह है कि औरत भी अपनी बात रखे, अपनी राय रखे और सलीके और शाइस्तगी के साथ रखे। क्यों? इसलिए कि मैंने कहीं लिखा है कि औरत वो लफ्ज है, गौर कीजिए कि औरत वो लफ्ज है, मर्द कभी उसका इल्ला खराब कर देता है, कभी उसका तलफ्फुज बदल देता है और कभी उसके माने समझ ही नहीं पाता है। ये औरत की बड़ी मजबूरी है, ना कभी इल्ला खराब कर देता है, गलत लिख देता है, औरत अलीफ रहते लिख दिया, तलफ्फुज गलत, औरत ने बोला औरत बोल दिया, माने गलत। तो बेहतर यही है कि औरत के सामने आए और अपनी बात उसके सामने रखे और उसे समझाए कि उसके इमला क्या है, तलफ्फुज क्या है और माने क्या है। जब तक आप नहीं बोलेंगे अब बेचारे हम मर्दों को क्या समझ में आएगा। मेरा जो कलीदी खुतबा है 3 अहम सवालों पर मबनी है। पहला सवाल यह है कि गैर अफसानी नसर में कौन कौन सी असनाफ नसर को शामिल किया जाए। ये मेरा पहला नुकता है। क्यों? उसके इसमें अभी तक मेरा ख्याल है कुछ खास तायुन नहीं हुआ है कि कौन सी सिंध को हम गैर अफसानी कहें और किसको ना कहें। थोड़ा सा मैं इस पर बात करना चाहूंगा पहले सवाल पर। दूसरे सवाल यह है कि खवातीन गैर अफसानी नसर की तरफ क्यों मुतवज्जा हुई। ये एक तारीखी मुताला है। मेरा ख्याल है कि इस पर बात हुई नहीं है या तफसील से कभी बात नहीं हुई है या किसी एक मौजू के तौर पर किसी ने बात नहीं की है कि खवातीन ने कब से क्या लिखना शुरू किया, क्यों लिखना शुरू किया, गैर अफसानी अदब की तरफ आए क्यों। पहले हम उनके मुहरिकात को देख लें तो फिर उसकी रोशनी में मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि देखिए ये मामला थे, उन्होंने लिखा, अब आप क्यों नहीं लिख सकते हैं। ये एक तरह का रिव्यू ऑफ लिटरेचर है और तारीखी मुताला है। तीसरा अहम सवाल है और वो ये है कि नई नस्ल की खवातीन यानी आप सबको गैर अफसानवी लिखने की तरफ किस तरह मायल किया जाए, किस तरह हम आपको बताएं कि गैर अफसानवी नस्ल लिखने से आपका क्या फायदा है, उर्दू का क्या फायदा है और मजमूई तौर पर हमारी कौम का क्या फायदा पहुंच सकता है सिर्फ एक आपकी आवाज की वजह से। औरत की, लड़कियों की, मस्तूरात की आवाज की किस हद तक जरूरत है इस पर हम सबसे आखिर में बात करेंगे। तो चलिए पहला सवाल है, मैं इस पर राजेंद्र नगर की तवज्जो चाहूंगा, अगर कहीं है गलती तो इस्लाह कीजिएगा। पहला सवाल है कि गैर अफसानी नसर में कौन कौन सी असनाफ को शुमार किया जाए। अब मेरे पास यहां कुछ नाम है, मैं पहले वो पढ़ देता हूं उसके बाद मैं अपनी राय रखूंगा। एक तो यह है कि मजमून नबीसी, किसी भी तरह का मजमून हो हम उसको गैर अफसानी नसर में रख सकते हैं। लेकिन पहले एक बात यह भी समझ लीजिए कि अफसानी नसर और गैर अफसानी नसर में बुनियादी फर्क कहां पड़ता है, बुनियादी फर्क कहां आता है, जहां हकायक की का बयान होता है। गैर अफसानी नसर में तखय्युल है, अफसानी नसर में तखय्युल है, गैर अफसानी नसर में जिंदगी के हकायक बयान किए जाते हैं, मुशाहिदात बयान किए जाते हैं, इंसान के एहसास बयान किए जाते हैं, उनकी कैफियत को बयान किया जाता है। ये बड़ा फर्क है इसमें। इसको सामने रखकर देखिए कि मजमून नवीसी, आप किसी भी तरह का मजमून लिखे बशर्ते के वो जैसा कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा हुआ है गंजे बयानात ना हो। व्हाट ही हैज टोल्ड इज बाल्ड 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 स्टेटमेंट्स,
यानी कि खाली खोली बयानात ना हो, उसमें थोड़ी बहुत अदब की चाशनी हो, और उस तरह से अगर आप लिखते हैं तो वो मजमून गैर अफसानी नसर में आ सकता है, फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद खाका निगारी है, रोजनामचा है, रिपोर्ट कार्ड निगारी है, इंशाया निगारी है, अदबी कालम निगारी है, सवाने निगारी है, सफरनामे है, मकतूब निगारी है, अदबी तर्जुमा निगारी है, खुदनविश्त है, कैफिया है, वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी असनाफ है। जैसा कि सता था आपने बताया कि अफसानवी इसमें तो सिर्फ तीन चार है, लेकिन गैर अफसानवी असनाफ में बेहिसाब आपको मिल सकती है। अब इसमें भी थोड़ा सा एक मसला पैदा हो रहा है, क्या हम खाका निगारी को, इंशाया निगारी को, सफरनामों को और किसी हद तक सवाले निगारी को हम गैर अफसानवी कह सकते हैं या नहीं कह सकते? वजह इसकी है, वजह यह है कि आप खाका निगारी कीजिए, इंशा निगारी कीजिए, आप सफरनामे लिखिए, कहीं ना कहीं आपका तकरीर उस पर छा जाता है। कहीं ना कहीं आप देखिए, आप बयान कर रहे हैं, किसी आदमी का जिक्र कर रहे हैं सफरनामे में, तो पूरा खाका आप दे रहे हैं तो उस पर तकरीर काम करता है। तो एक सवाल मेरे जहन में उभरा कि क्या हम इन असनाफ को हम गैर अफसानवी नसर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते? अगर रख सकते हैं तो मेरा अपना ख्याल यह है कि इसको सेमी नॉन फिक्शनल के नाम से याद किया जाए, या नीम गैर अफसानवी नजर कही जा सकती है इसको, क्योंकि इसके अंदर अफसानापन भी आ जाता है, अफसानवीयत भी आ जाती है। तो एक पॉइंट यह। उसके बाद दूसरा बहुत बड़ा नुकता यह है, उस पर हमारे डॉक्टर हुमेरा तईस से कई बार फोन पर हमारा झगड़ा भी हुआ, और वो यह है कि क्या तहकीक, तनकीद और सहाफत को गैर अफसानवी नसर कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? तो उनका ख्याल यह है, शुरू में जब बात हुई तो कहती थी कि यह नहीं सबको होना चाहिए, फिर आकर हम कुछ हमारी बात को मान ली तो अच्छा ठीक है साहब, आप तहकीक को छोड़ दिए, कम से कम तनकीद को रख लीजिए। मैंने कहा ठीक है, तासुरात की तनकीद की हद तक तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा किसी भी तनकीद के लिए गैर अफसानवी नसर नहीं कहा जा सकती। क्यों? मैं उसके कुछ असबाब आपके सामने बयान करता हूं, अगर ये ठीक है तो कबूल कीजिए वरना मेरी इस्लाह कर दीजिए। सबसे पहली बात तो यह है, मैंने हिंदी वालों से पूछा, अगर यहां हिंदी की कोई हो तो बता सकती है, मैडम अभी सारे जहां से जो पढ़ रही थी, हिंदी वालों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तहकीक और तनकीद को गैर अफसानवी नसर में शामिल नहीं करते हैं। उनके पास दो ही है, एक कथा है, दूसरा कथातीर है। यानी कि कथा जिसमें कहानी है, कथातीत मेरा ख्याल कथा प्लस इतर है ये, यानी कि जो गैर के मानों में आता है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम तहकीक को और तनकीद को उसमें शुमार नहीं करते हैं, ये उनका है। मैंने संस्कृत और तेलुगु वालों से भी पूछा तो उनका भी यही ख्याल रहा कि नॉन फिक्शन में तहकीक और तनकीद रखते हैं, मगर उनको हमने एक अलग सिंध के तौर पर रखा है। चलिए ये बात हो गई। अब आप इंग्लिश की तरफ आइए, अंग्रेजी में क्या हुआ है कि फिक्शन और नॉन फिक्शन ये दोनों को दो अलग अलग ग्रुप में तकसीम किया गया है। फिक्शन में नावल है, ड्रामा है और अफसाना है, ठीक है, लेकिन इन तीनों को छोड़कर बाकी जो भी है वो पूरे का पूरा गैर अफसानी नसर या नॉन फिक्शनल नसर है। मैं आपको यहाँ लिस्ट पढ़कर सुनाता हूँ, आप देखिए कि उसमें उन लोगों ने नॉन फिक्शन में क्या क्या चीजों को शुमार किया है। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, कुकिंग, हेल्थ, फिटनेस, पेट्स, क्राफ्ट, होम डेकोरेशन, लैंग्वेजेस, ट्रैवल, होम इम्प्रूवमेंट, रिलीजन, आर्ट, म्यूजिक, हिस्ट्री, सेल्फ हेल्प और ट्रू क्राइम, साइंस एंड ह्यूमर, इंक्लूडिंग अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्रीज एंड डीवीडीज आल्सो, ये नॉन फिक्शन में रखते हैं। बल्कि इंजीनियरिंग के जो ब्लूप्रिंट्स आते हैं उसको भी वो नॉन फिक्शन कहते हैं। लिहाजा अगर हम अंग्रेजी का तत्व करेंगे तो हम ये तमाम चीजों को शामिल नहीं कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ बात हिंदी, संस्कृत और तेलुगु की मांग करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने ड्रामे को भी फिक्शन में शामिल नहीं किया है। ड्रामा एक बिल्कुल अलग सिंथ है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने उसको अलग कर लिया है। मुझे अर्ज करना यह है कि तहकीक और तनकीद इन दोनों को गैर अफसानवी नसर में रखना नहीं चाहिए, और उसके लिए मेरे पास एक रीजन ये है कि गैर अफसानवी नसर हकायक पर मबनी और जज्बात की तर्जुमानी करता है, कैफियत की तर्जुमानी करता है, जबकि तहकीक और तनकीद ये चीज नहीं करती।
تحقیق و تنقید میں کیا ہوتا ہے، ایک ہائپوتھیسس فارم کرتے ہیں، ایک مفروضہ قائم کرتے ہیں اور اس کی شہادتیں دریافت کرتے ہیں، ہم ڈھونڈ کے لاتے ہیں، ہم جتنے ثبوت ملتے ہیں وہ سب ثبوت لا کر ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ہائپوتھیسس صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر یہ غیر افسانی نسل میں یہی رول کیوں عائد نہیں ہوتا؟ لیکن اگر عائد کریں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اگر کسی سفر نامے میں یہ لکھے، کوئی شخص سے لکھے کہ مجھے سوئٹزرلینڈ کا نظارہ کرتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ میں جنت میں ہوں، تو آپ کوئی اس کا ثبوت پوچھے، اب مجھے ثبوت دیجئے کہ بھائی جنت میں کیسے تھے تم، تو ہم ثبوت کیا لا کر دیں گے؟ کوئی ثبوت پیش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جس کی بنیاد تحقیق اور تنقید کی بنیاد کس پر رکھی گئی ہے؟ ہائپوتھیسس پر اور شہادتوں پر رکھی گئی ہے۔ جبکہ یہ دونوں چیزیں غیر افسانی نثر میں نہیں آتی ہیں تو پھر آپ اسے کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ یہ میری پوائنٹ ہے، اور میں مشورہ یہی دے رہا ہوں کہ تحقیق اور تنقید دونوں کو ایک الگ سمت کے طور پر اس کا احترام کیا جائے اور اس کو ایک اپنی جگہ پر رکھا جائے۔ تو یہ بہرحال کچھ باتیں تھیں۔ اچھا، ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ علی سرور جعفری نے ملا مجید اور شاہیت کی کتاب ہے، رفیہ پروفیسر رفیہ شفتر مادیدی کی، اس کتاب کے جیواچن انہوں نے صاف صاف لکھ دیا ہے کہ یہ تنقید سے بالکل الگ سمت ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں میں نے دو پروفیسروں سے بات کی، عبدالستار دلوی صاحب سے، انہوں نے بھی کہا کہ ہرگز ہرگز اس میں شمار نہیں ہو سکتے، اور میں نے ماہر جو سب سے بڑے ناقد ہمارے پاس ہیں پروفیسر شادی پردلوی صاحب، میں نے ان سے اس سلسلے میں بحث کی، بات کی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ تحقیق اور تنقید غیر افسانی نثر میں شمار نہیں ہوگی، اس کی ایک بالکل الگ سمت کے طور پر اس کا احترام کیا جائے۔ یہ میری اپنی رائے اس اسٹیج سے میں دے رہا ہوں۔ اب آئیے دوسری طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے کہ خواتین اب تک نے جو لکھا ہے وہ انہوں نے کیوں لکھا ہے، اور یہ بڑا ہی دلچسپ اس کا حصہ ہے کیونکہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن جب تحقیق میں نے کی تو بہت سارے عجیب و غریب پہلو میرے سامنے آئے۔ تو میں نے ان خواتین جنہوں نے لکھا ہے ان کو چار گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی وہ خواتین جن کا تعلق شاہی خاندانوں اور اعلیٰ طبقے سے تھا، جو ہائی کلاس جو کرنی تھی، جو اعلیٰ طبقے کی جو عورتیں ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، اشرافیہ جنہیں ہم کہتے تھے، انہوں نے غیر افسانوی ادب لکھا ہے، شاہی گھرانے کی، شاہی خاندانوں کی عورتوں نے لکھا ہے، اور کچھ عمرا اور روسا کی عورتوں نے لکھا ہے۔ دوسری وہ خواتین جن کا تعلق علمی گھرانوں سے تھا، جن کے گھروں میں ایک علمی ماحول تھا، ان عورتوں نے لکھا ہے۔ اور تیسری وہ خواتین جو کسی تحریک یا فلاحی پروگراموں سے وابستہ تھیں، ان خواتین نے لکھا ہے۔ اور آخری وہ خواتین جنہوں نے شوقیہ طور پر غیر افسانی لکھا ہے۔ اس میں جو پہلی قسم کی خواتین ہیں، اس میں سب سے پہلے میں عرض کر دوں کہ نواب واجد علی شاہ کو جب قید کر کے کلکتہ لے جایا گیا تو ان کی بیگمات کے پاس اپنے شوہر سے بات کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، ظاہر ہے کوئی SMS نہیں تھا، ظاہر ہے کوئی ویڈیو کانفرنس نہیں تھی، ظاہر ہے کوئی فون نہیں تھا، ظاہر ہے کوئی سیل فون نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو بات کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ تھا خطوط لکھنا۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو نواب واجد علی شاہ کی بیگمات نے خطوط لکھے، یہ اولین خطوط میں ہم ان کو شمار کر سکتے ہیں۔ دوسری جو ہے، اگر آپ تاریخ پڑھتی ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھوپال میں کچھ خواتین نے حکمرانی کی ہے، اور بہترین حکمرانی کی ہے، عورتوں نے حکومت کی ہے، ان میں سے ایک نام ہے نواب سلطان جہاں بیگم۔ نواب سلطان جہاں بیگم کو لڑکیوں کی تعلیم کی بڑی فکر تھی۔ میں کب کی بات کر رہا ہوں؟ 1903 کی بات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں جب لڑکیاں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں اور تعلیم ان کے پاس کچھ نہیں تھی، تو اس زمانے میں انہوں نے حرمین شریف کا سفر نامہ لکھا۔ یہ 1903 کی بات ہے، میں ابھی دیکھ رہا تھا کسی نے لکھا ہے، آپ نے لکھا ہے غالباً 1908 میں نازلی بیگم نے لکھا ہے، میرا اپنا خیال ہے، میری تحقیق دیویزا یہ ہے کہ 1908 میں غالباً سفر یورپ گئی تھی، 1912 کے اطراف کہیں وہ چھپا ہے، لیکن 1903 میں حرمین شریف سفر نامہ لکھا تھا۔ اچھا، آج بھی کئی خواتین حج کو جاتی ہیں، عمرہ کو جاتی ہیں، لیکن کسی کی طرف سے کوئی ایک
सफरनामा हमें पढ़ने को नहीं मिलता है। जो कैफियत हज के जमाने में गुजरती है, उमरा के जमाने में गुजरती है, वो एक अलग ही तरह की दुनिया होती है। लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखते, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बल्कि आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह अगर आपको हज को जाने की सहादत नसीब फरमाए तो अपने साथ एक पेन और एक किताब लेके जाइए और जो जो आपके दिल पर गुजरता है उसको जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर वो आपको मिलेगा नहीं। ये हरमाई शरीफ की बात कर रहा हूँ। एक चीज 1903 की लिखी हुई एक छोटी सी तहरीर है, आप लोगों के नाम है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। एक नवाब ऑफ भोपाल नहीं सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने लिखा है और आप लोगों के लिखे लिए लिखा है। देखिए 100 साल पुरानी तहरीर है मगर आपके आज भी काम आ सकती है, लड़कियों को गौर से समझो चाहूंगा। उन्होंने लिखा है कि तुम्हारी तालीम मुसीबत के वक्त अपनी मदद आप करने के काबिल बना देगी। तुम्हारी तालीम मुसीबत के वक्त अपनी मदद आप करने की काबिल बना देगी और खुदा न खास्ता तुम में से किसी पर मुसीबत का वक्त पड़े तो इज्जत गैरत हमीयत के साथ अपनी रोजी खुद पैदा कर सकोगे। और जब तुम ये जुमला खास तौर पर गौर कीजिए, और जब तुम साहब औलाद हो तो उसकी तालीम और तरबियत अपनी गोद से शुरू करो। ये कहा है आज से 100 साल पहले और आज से 100 साल के बाद भी ये जो चार जुमले नवाब भोपाल ने लिखा है लड़कियों के लिए काम आएंगे। इनकी ही बहू थी जिनका नाम था बेगम मैमूना सुल्ताना। इन्होंने शिपली के बदरुल इस्लाम का तर्जुमा किया फारसी से उर्दू में। एक तरह से देखा जाए तो तर्जुमे का काम हमारे फहीम साहब देखिए कितना पहले शुरू हो चुका है। नवाब ऑफ भोपाल की बहू बेगम जो है बेगम मैमूना सुल्ताना ने जो है तर्जुमा का काम शुरू कर दिए थे और इन्होंने तुर्की का सफरनामा भी लिखा सयाहत सुल्तानी के नाम से। इनके बाद आती है नाजली रफिया बेगम। ये नवाब ऑफ जंजीरा बॉम्बे के पास से कोकन एक इलाका है, जंजीरा इलाका है, उनके नवाब की ये बेगम थी और इन्होंने सफरनामा यूरोप लिखा। इनकी ही बहन थी अतिया बेगम पंजी, इनका रोजनामचा इन्होंने लिखा और ये रोजनामचा अभी तरतीब पा रहा है, किसी दिन जल्द शाया हो जाएगा। कुलतलैन हैदर पहली समाजी कारकुन किया, इन्होंने लिखा और आज पाकिस्तान उर्दू में वो सफरनामा का लीग है। उन्होंने लाली चौधरी और एक्ट्रेस हुआ करती थी जिसका नाम था, उन्होंने अपनी इंतहाई चाहता हूँ कि ये जो औरतें हैं वो देख लें सारे हैं आबिद हुसैन मौलाना होगा उनके घराने वो आबिद हुसैन महदी साहब या अफसर सूद के बारे में लोग का नाम हो रहा है, लेकिन मैं ये समझी जगह पर सही सही लेकिन अपने शौहर की मोहब्बत का जो इजहार किया है वो खानदान था जो किया। तरक्की पसंद तहरीक से और बारे में जिक्र करना चाहूंगा, कभी शौकत कैफी का नाम तो आपने सुना ही होगा। सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ कि शौकत थी जब वो हामिला हुई तो वो तो बहुत खुश थी, लेकिन पार्टी